कांग्रेस परिवार के नेतृत्व में गांधी चौराहा पर महात्मा गांधी जयंती एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई। सर्वप्रथम चित्र पर माल्यार्पण कर सभी का कांग्रेस नेता, नगर परिषद अध्यक्ष कैलाश अमोदिया, श्रीनिवास तिवारी, हमीद खान, रामेश्वर शर्मा, अभिषेक भट्ट ने संबोधित करते हुए उनके विचारों और सिद्धांतों को विस्तार से बताया। साथ ही कहा कि गांधी जी के जीवन से हमें भी प्रेरणा लेना है और उनके बताए मार्ग पर चलना है। अंत में सभी ने मौन श्रद्धांजलि दी। नगर परिषद उपाध्यक्ष सुरेश पटेल, मुकेश राठौर, ब्रजमोहन तिवारी, ललित सोनी, अशोक सोठिया, किरण रत्न पारखी, इंदु ठेकेदार, गुलाब सिंह सिसोदिया, मोहित पारेश्वर, ब्लॉक कांग्रेस सहित बड़ी संख्या में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित थे। सतवा से बालकृष्ण शर्मा की रिपोर्ट। आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म जयंती के अवसर पर हम सब लोग इकट्ठा होकर के उन्हें अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करने आए हैं। इसी साथ में पंडित लाल बहादुर शास्त्री जिनकी भी आज जन्म जयंती है, हम उन्हें याद करा। याद इसलिए किया कि पंडित लाल बहादुर शास्त्री ने किसान हित में और एक हरित क्रांति लाने के हित में बहुत ही बढ़िया काम किया और जय जवान जय किसान का नारा दिया तो पंडित हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। साथ ही महात्मा गांधी ने जिनको ये राम कह करके अपने प्राण को त्यागे हैं, ये सनातन की बात करते हैं। सनातन तो हमारे पूज्य महात्मा गांधी ने ही पहले ही ला दिया, जब उनको उनके सीने पर तीन तीन गोलियां लगी और गोली लगते ही बोले हे राम हे राम हे राम। आज ये कहते हैं कि हम जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे। अरे राम तो महात्मा गांधी ने पहले ही सनातन धर्म का प्रचार किया और एक शांति के रूप में इस भारत को आज़ादी दी। यही हम उनको आज इसलिए उनको नमन करते हैं। बोलो पूज्य महात्मा गांधी की जय।